जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग आज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके स्क्रीनिंग प्रोसीजर में एज वेल एज साइकोलॉजी के टैट के प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये कन्फ्यूजन हम लोग मेजर कन्फ्यूजन को आज क्लियर करेंगे विथ मी श्रेयान शुक्ला। आई एम रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर CDS 2020 IMA 151 बैच विच वॉज हेल्ड इन अप्रैल। एंड हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे वीडियो में पदम सर, हु इज एन SSB एक्सपर्ट। हेलो श्रेयान, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो सर, पहला क्वेश्चन, हम लेट अस कम डायरेक्टली टू द टॉपिक। जो पहला क्वेश्चन हम लोग अक्सर देते हैं PPDT का प्रोसीजर, कुछ बच्चे जो स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी डाउट रहता है कि प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ऑफ कोर्स पहले आपको फोटो देखनी है फॉर 30 seconds एंड 1 minute टू फिल अप द बॉक्स एंड एट द नरेशन ऑफ द स्टोरी, एक्शन ऑफ द स्टोरी एंड आफ्टर वर्ड्स टू द स्टोरी राइटिंग। सो जो पहली चीज़ जो सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि जो 30 seconds फॉर वॉचिंग द पिक्चर है, उस 30 seconds में उनको एक्चुअल में करना क्या होता है? एक्चुअली जब आपको पिक्चर 30 सेकंड के लिए शो होता है तो उस 30 सेकंड में सबसे पहले जो कैंडिडेट होता है उसको उसका मूड, उसका जेंडर और उसका बैकग्राउंड का पूरा उसको परसेप्शन करना होता है। देन आफ्टर उसको उसी 30 सेकंड में उसको आइडिया जनरेट करना होता है कि मुझे स्टोरी किस आइडियोलॉजी पे लिखनी है। ओके, मतलब दोस 30 seconds are not just for looking at the picture but उसमें actually घुस जाना है, पूरा जाना है। यस, आप जब पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे देन यू विल क्रिएट आइडिया। ओके गुड। उसके बाद जब नेक्स्ट चीज आती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो उनको मार्क करने का कोई स्पेसिफिक तरीका है या फिर किसी को बस स्टार मार्क कर देना कुछ तरीका? बॉक्स को एक्चुअली फिल कैसे करना होता है? जो बॉक्स होता है उसमें एक्चुअली जो आपका सेंटर कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर रोल प्ले करेगा, उसको आपको एक मार्क करके उसका उसका आपका जो भी उसका जेंडर है, जेंडर, एज और मूड, और उसको आप सर्कल कर देंगे। और जो अदर जो आपके जो कैरेक्टर्स होंगे, साइड कैरेक्टर्स, उसको आप जनरली बस डॉट मार्क करके उसका मूड, जेंडर आप उसमें फिल कर देंगे। अगर हम सेंट्रल कैरेक्टर की बात करें तो इससे ही बहुत बच्चों के डाउट आते हैं कि सेंट्रल कैरेक्टर अक्सर यूट्यूब वीडियोज में और काफी SSS ने भी इस तरीके से थोड़ा सा भ्रम टाइप का फैला दिया है कि सेंट्रल कैरेक्टर आपकी ही एज का होना चाहिए। आपको ही खुद को वहां पे इमेजिन करना है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे सारी चीजें। तो तब तक तो ठीक रहता है जब आपकी एज का कोई फैक्टर वहाँ पे। बट सपोज आई एम अ गाय, मैं IMA एंट्री से ले जा रहा हूँ CDS के थ्रू, बट मेरे इमेज में सिर्फ एक वुमेन है जो कि किसी बच्चे को कैरी करी, जो फोटोज दिखती है। सो उस टाइप की फोटोज में क्या मुझे सेंट्रल कैरेक्टर को बाहर से इंट्रोड्यूस करना है अपनी एज का, या फिर जो मुझे पिक्चर दिख रही है उसी पे सेंट्रल कैरेक्टर को फॉर्म करना है? ओके, इसमें बताना चाहूंगा एक्चुअली ये स्टोरी राइटिंग जो होता है हमारा, इसमें मेन हमारा ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन, ये दो चीजों पे काम करते हैं हम लोग। हमें जो स्टोरी में जो शो हो रहा है उसी को हमको सेंटर कैरेक्टर में लेके आएंगे। अच्छा। आइदर फीमेल और मेल। अगर आपको फीमेल जज हो रहा है तो आप फीमेल को भी अपना सेंटर कैरेक्टर बना सकते हैं। एक्चुअली क्या साइकोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट होता है ये, और उसमें साइकोलॉजी जस्ट आपका आइडिया, आपके थॉट प्रोसेस जानना चाहता है। तो आपको बाहर से सेंटर कैरेक्टर को लेके नहीं आना है, जो आपको परसीव हो रहा है उसको आपको सेंटर कैरेक्टर लेना है। अच्छा, ओके। एंड अगर बॉक्स के बारे में आप ऑफकोर्स क्लियर हो चुका है, व्हाट अबाउट द एक्शन ऑफ द स्टोरी? एक्शन ऑफ द स्टोरी में अक्सर देखें कि बच्चे काफी लंबी चीजें लिख देते हैं, या तो 2-3 लाइन, या फिर कभी कभार सिर्फ एक वर्ड लिख के छोड़ देते हैं। तो उसका रियल फॉर्मेट क्या होता है, प्लीज शेयर विद आवर स्टूडेंट्स। जब आप एक्शन लिखते हैं तो एक्शन मिनिमम आपका 4-5 वर्ड्स में फिनिश हो जाना चाहिए। जैसे कोई पिक्चर है जिसमें और ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, जैसे NCC कैडेट है वो कोई चीज़ फूड सर्व कर रहा है या किसी कोई कैंपिंग चला रहे हैं या किसी सिस्टम में वो लोग कैंपिंग करने गए, तो वहाँ पर जो उसकी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को मेन आपको शो करना है। जब एक्टिविटी जो पर्पज़ जो है उसका, जैसे डिफॉरेस्टेशन का आ गया सीन तो डिफॉरेस्टेशन दिखाना है। अगर कहीं कुछ सोसाइटी में कुछ मैसेज देना है तो उस मैसेज को उसमें हाईलाइट करना है। लिटरेसी प्रोग्राम है तो लिटरेसी प्रोग्राम को हाईलाइट करना है। तो इस टाइप से आप लोग 4-5 वर्ड्स में उसको फिनिश कर देंगे एक्शन को। मतलब बेसिकली आपको एक्शन ऑफ द स्टोरी में या तो स्टोरी का टाइटल देना है या तो फिर उस एक्शन के बारे में लिखना है जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहा है। तो आपकी स्टोरी पॉजिटिव एक्शन भी हो जाएगा, प्लस एक क्रक्स निकल के आ जाएगा आपके स्टोरी का एक्चुअल में है क्या, निचोड़ ऑफ द योर स्टोरी। अब स्टोरी की इतनी बात कर चुके हैं, सो इट इज़ मैंडेटरी कि हम लोग स्टोरी पे ही बात करें। सो सबसे बेसिक और सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का अक्सर रहता है कि सर स्टोरी देख ली, एक्शन लिख दिया, बट आइडियाज़ कहाँ से लें? क्योंकि बेसिक चीज़ें किसी के लिए सबसे नई एक्सरसाइज है। कोई बचपन ना स्कूल में कहीं पढ़ाया गया, ना ऐसा कोई एक्सपोजर रहा है, फ्रेशर्स लोग के लिए बहुत नई चीज़ है कि स्टोरी तो देख ली, ठीक है एक फोटो देख ली मैंने, उसके बारे में सोच लिया, वॉट अबाउट राइटिंग द स्टोरी, आइडियाज़ कैसे लाने, क्या लाने? ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जनरली बच्चों को जब ब्लैंक स्टोरी आ जाता है या PPDT या टेट की हम बात करें स्टोरीज में, अब वो आइडिया जो जनरेट होता है श्रेयान जी,
एक्चुअली क्या है, बच्चे को इसमें थॉट प्रोसेस अपना एनालाइज थोड़ा विजुलाइज होना पड़ेगा। अब मैं कह, जो बच्चे जैसे सिटी को बिलोंग करते हैं है ना, कुछ आप विलेज से आते हैं, अब उसको ये एनालाइज करना है कि वो एनडी और सीडीएस, अगर वो बच्चा एनडी की एंट्री में जा रहा है तो ए टू ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ जाएगा, और जो सीडीएस में जाएगा वो ए टू उसका ग्रेजुएशन का पार्ट, सेवन इयर्स का उसका फोर इयर्स का है ना। तो फोर इयर्स जो एनडीए वाला बच्चा है तो फोर इयर्स एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, इस ड्यूरेशन में क्या उसने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया, स्काउट गाइड में उसने पार्टिसिपेट किया है, और जो सोसाइटी में एक्टिविटीज चलती है, जैसे आपके कहीं पर गड्ढे हो रहे हैं, लाइट का प्रॉब्लम है ना, आजकल आपने देखा होगा कॉलोनीज में कैटल्स वगैरह का मैनेजमेंट नहीं है, कैटल्स घूम रहे हैं, तो छोटे छोटे आइडियाज उसको अपने दिमाग में इनकल्केट करना होगा, और जितनी भी एक्टिविटीज वो करता है सब कुछ हमारे पास हमारे माइंड में सेट होता है, बस हमको उस आइडिया को अपने स्टोरी में डालना होता है। सेम एज इट इज, जो बच्चे ग्रेजुएशन में सीडीएस एंट्री देख रहे हैं, एफकेट एंट्री देख रहे हैं, उनको सेवन इयर्स का पीरियड है, तो सेवन इयर्स में उसने कॉलेज में एक्टिविटी की होगी है ना, कैंपिंग किया होगा, एडवेंचर कैंप अटेंड किया होगा उस बंदे ने है ना, उसने एनसीसी एनसीसी एंट्री एनसीसी में काम किया होगा, एनसीसी में लिया होगा पार्टिसिपेशन, उसका एनसीसी में होगा, प्लस उसने काफी कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, तो इन्हीं सब चीजों को आपको एनालाइज करके अपने स्टोरीज में डालना है, इससे आपको थॉट प्रोसेस मिलेगा। बहुत सही बात बताई, जैसे कि व्हेन आई वाज गिविंग माय एसएसबी सेम चीज हुई थी, बिकॉज कोई भी स्टोरी मेरे सामने आ रही थी, व्हाटएवर सेंटर कैरेक्टर आई वाज चूजिंग, कहीं ना कहीं या तो मेरे बारे में था वो, और ये मैंने चूज नहीं कर रहा था, वो जो भी आइडियाज मेरे लाइफ में आ रहे थे, दिमाग में आ रहे थे, या तो मैं कर चुका था या फिर आई वुड हैव इमेजिन कि कैसा वहां पे मुझे करना चाहिए था, या फिर मैं करूंगा इफ आई गॉट द पावर, क्योंकि आप सेंटर कैरेक्टर को कोई ना कोई अब वो देते हैं क्वालिफिकेशन देते हैं पावर देते हैं उसको, सो मुझे थॉट्स आते हैं कि एक बार मैं अगर डीएम बनूंगा तो मैं यहाँ के सारी सड़कें साफ करा दूंगा, तो इस टाइप के थॉट्स अगर आपके पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी में वो शो होंगे। सो एक वर्ड जो बहुत बड़ा बार बार यूज होता है फॉर स्टोरी राइटिंग कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में कि सबकॉन्शियस माइंड है, अब लोग उसको भी कॉन्शियस की तरीके से देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है, मैं कैसे चीज़ें करूँ, तो उसके थोड़े टिप्स दे दीजिए कि हाउ टू यूज अवर सबकॉन्शियस माइंड टू फॉर्म अ परफेक्ट स्टोरी। ओके, शायद इसको मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे स्लाइड है, अब इसमें आप अपना जो ह्यूमन माइंड होता है, रेप्लिका ऑफ एन आइसबर्ग, जो आइसबर्ग की सेम एज इट इज प्रतिकृति हमारा माइंड होता है, जैसे 30% आपको आइसबर्ग ऊपर दिखता है, सेम 70% नीचे होता है, एज इट इज हमारा जो माइंड होता है 30% आपका जो कॉन्शियस पार्ट होता है और 70% अनकॉन्शियस पार्ट। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है उसमें आपका डेली रूटीन्स आता है, जो आप डेली रूटीन में जो एक्टिविटी करते हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड में आता है, और जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसमें आपके जो इमोशंस जो फीलिंग छुपी हुई होती हैं वो, तो जो ये आपका जो पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड होता है, और जो आपका इमोशंस होता है इसमें आपका पूरा हेट लस्ट सेक्स ये सब कुछ उसके अंदर आता है, और वो इसको पिक्चर स्टोरी राइटिंग के माध्यम से वो स्टूडेंट का वो लेबल जज करता है कि इसके इमोशंस फीलिंग्स क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीज है आपका सबकॉन्शियस। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे कि अनकॉन्शियस माइंड जैसे है, ये हमारे अंदर फीलिंग्स है इमोशंस है, वो जनरली बात नहीं कर सकते ओपनली सेक्स पे और लस्ट पे बात नहीं होती है हमारे इंडिया में, तो अब उसको ट्रेन करना है कि सर हम ये क्या करें इसके लिए, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चे क्या थोड़ा सा इसको रिप्रोग्राम करेंगे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को, जब अनकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम करते हैं तो हमें थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे हम अपने उस अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें और हमारी जो सोच पॉजिटिव और वाइज हो, और जैसे हम वो आइडियाज अपनी स्टोरी में डाल सकें। ओके, मतलब जितना सिंपल ये लगता है कि आपको बस 30 सेकंड देखना है और स्टोरी लिखनी, इट इज नॉट दैट सिंपल, काफी कॉम्प्लिकेटेड, बस आपके दिमाग के अंदर खुद ही चलते हैं कि आप बैकग्राउंड देख के आपने ऑब्जर्वेशन करी तो आप बैकग्राउंड से अपने हिस्ट्री पे जाते हैं, बिकॉज परसेप्शन का वही मतलब है, एंड अगर खास तौर पे बात करें थीमेटिक अपरसेप्शन का, सो द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड अपरसेप्शन इज सेम थिंग, परसेप्शन मतलब कि मैं अगर यहाँ पे 6 ड्रॉ कर दूँ आपके सामने मुझे आपको 9 दिखाई देगा, सो दैट बिकम्स परसेप्शन, ना आप गलत है ना मैं गलत हूँ, बट अपरसेप्शन इज वॉट कि आप कोई फोटो देखते हैं या फिर कोई इमेज देखते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है कि आप उसको हिस्ट्री अपनी पास बैकग्राउंड से कैसे रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि वेन आई सी अ डॉग तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये नहीं आएगा कि अगर मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया कि दैट जस्ट अ डॉग तो वो नॉर्मल सी फोटो है, बट अगर मैं उस कुत्ते को देख के सोचता हूँ कि दैट डॉग इज सिमिलर टू माई बेस्ट फ्रेंड्स डॉग, मतलब कि मैं अपने पास्ट हिस्ट्री से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ,
तो दैट बिकम्स अपरसेप्शन. सो सेम आपका थीमेटिक अपरसेप्शन जो टेस्ट होता है साइकोलॉजी में टैट पे, अगर स्टोरी पे बात करें तो डेफिनेटली वी शुड कवर दैट टू. तो थीमेटिक अपरसेप्शन में और पीपीडीटी में जो स्टोरी फाइटिंग करते हैं जो आपने उसका बताया 73% ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सो क्या उसका उतना ही रोल वहां पे आता है या थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. एक्चुअल में क्या है कि जो पीपीटी हमारा जो होता है उसमें बहुत हेजी पिक्चर दिखाते हैं. हाँ. और जो टैट होगा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट उसमें हमारी पिक्चर होता है बहुत क्लियर वे में दिखाते हैं, है ना. तो अब क्या होता है कि इसमें इमेजिनेशन काम करता है आपका. हुँ. कि आपको स्टोरी दिखाया तो आपको 11 स्टोरी प्लस 1 ब्लैंक स्टोरी. yes. तो उसमें हमारा क्या काम करता है, उसमें अभी कुछ स्टोरीज नेगेटिव स्टोरीज पे हम बात करेंगे. वो जनरली बच्चे सोचते हैं इसमें हम सर क्या लिखेंगे, ऐसा स्टोरी आ गया था मैं लिख नहीं पाया, मेरा माइंड काम नहीं कर पाया. तो उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ये स्टोरी मैं आपके सामने बता रहा हूँ. okay. अब ये स्टोरी है कि ये एक वीमन है वो बेड पे है और एक जेंटलमैन ड्रेसअप सेंस में इधर खड़ा हुआ है. अब इस स्टोरी में अब बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज इसका जो ब्रेस्ट पार्ट है वो ओपन है. हाँ. तो अब बच्चे बोलेंगे क्या होने जा रहा है इधर, है ना. अब इधर उनका अनकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स है जो भी इमोशंस अब वो निकल के आएंगे के सामने आएंगे. तो अब इधर बात ये है, अब जनरली अलग अलग स्टूडेंट्स अगर हम पूछेंगे तो इस पर कोई कुछ राइट करेगा कोई कुछ राइट करेगा. सो अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम्ड है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सीड आपका ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है. उसकी मदर को आप शो कर सकते हैं या तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया है या उसकी मदर को जल गई है, क्योंकि बर्निंग टाइम में हम लोग ये बॉडी पार्ट्स को कवर नहीं कर सकते हैं, है ना. तो इस चीज से हम उसको रिलेट करके कि वो अपना भाई अपना एजुकेशन भी ले रहा है प्लस अपनी माँ का ख्याल भी रख रहा है. तो इस टाइप से अगर हम स्टोरी को राइटअप करेंगे तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टोरी. और सेम स्टोरी सर मुझे यहाँ पे जब मैं एमकेसी में एसएसबी की ट्रेनिंग कर रहा था सो द सेम स्टोरी केम इन माई टैट प्रैक्टिस. सो व्हेन आई रोट डाउन मुझे असेसमेंट मिला तो मेरे साथ बाकियों के स्टोरी मैंने देखी यही डिफरेंस था. okay. कि जो मेरे बाकी दोस्त लोग थे उन्होंने उसको जबरदस्ती का पॉजिटिव बनाने की कोशिश किया. दे वर ट्राइंग टू सप्रेस देयर फीलिंग्स और अपने जो भी थॉट्स है जैसे कि वो लोग लिख रहे हैं कि रोमियो जूलियट का प्ले हो रहा है या फिर कोई भी प्ले हो रहा है उन्होंने प्ले किया है प्ले है एक्ट तो उसको जबरदस्ती का पॉजिटिव बना रहे हैं. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द नेगेटिविटी ऑफ द फोटो बट व्हाट आई रोट वॉज की एक सेंटर कैरेक्टर वॉज द गाय. उसकी जब हस्बैंड अपने वापस आता है काम से देन उसको आवाज़ आती है कि उसकी वाइफ वॉशरूम में देन उसको सुनाई देता है कि कुछ दिक्कत है. तो व्हेन ही ओपन्स द गेट देन उसको पता चलता है कि गीजर जो था वो फट गया और उसके ऊपर गर्म पानी गिर गया. सो ही पिक्स हर अप उसको लाता है उसकी केयर करता है ही कॉल्स द डॉक्टर एंड टेक प्रॉपर एक्शन. इट्स एक्सेप्टिंग द नेगेटिविटी ऑफ द स्टोरी और ना ही आप उसको बहुत नेगेटिव ले जा रहे हैं. एक्चुअली क्या है जो ये जैसे मैंने बताया आपको पहले भी ये साइंटिफिकली टेस्ट होता है जो साइकोलॉजी होता है इसमें जस्ट वो आपकी जो फीलिंग और थॉट्स है एक्चुअल में जो आपको बैट इवन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका टैट वैट एसआरटी एसडीटी उसमें आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को डालेंगे. yes. और वही वो चेक करते हैं. तो वही सिंपल सा फंडा है नेगेटिव स्टोरीज के लिए कि अगर आपको नेगेटिव फोटोज दिख रही हैं तो पहला चीज है कि उसको जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है. एक्सेप्ट द नेगेटिविटी बट फिर उसके बाद आपको प्रॉपर उसके रेमेडियल मेजर्स देने होंगे. ये शो करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ आपने उसको प्रिकॉशंस लेकर उसको पहले कम किया देन उसको प्रॉपर स्टेप्स लेकर उसको रेमेडी दे दी. तो सिंपल सी स्टोरी हो जाएगी. प्रैक्टिकल ज्यादा रहना होता है नेगेटिव स्टोरीज में डेफिनेटली कोई दिक्कत. सो इफ यू वर टॉकिंग अबाउट सर पीपीडीटी तो डेफिनेटली नरेशन और जीडी को भी कवर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. सो एनी टिप्स अबाउट नरेशन में डायरेक्टली आते हैं कि नरेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर द गेटिंग स्क्रीन्ड इन और क्या क्या चेक करते हैं एक्चुअल मैसेज उसमें. एक्चुअली जो हमारा नरेशन पार्ट होता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्टोरी राइटिंग जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं क्योंकि प्रेशर रहता है टाइम प्रेशर रहता है. अगर उसकी स्टोरी कंप्लीट रिटन पार्ट में नहीं कर पाया है वो कैंडिडेट तो उसको मौका है कि वो नरेशन पार्ट में उस स्टोरी को कवर कर दे. okay. है ना. और जब आप नरेशन करते हैं तो आपको पता है जैसे जो टेस्ट हमारा होता है मनसा वाचा कर्मना. yes, sir. उसमें आपका आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट तीनों प्रेजेंट रहते हैं. yes. अब वो आपका बॉडी लैंग्वेज आपका ग्रुप बिहेवियर ये सब उसमें जज करेंगे. तो आपको चाहिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी को नरेट करें और विद इन 59 सेकंड में वो आप फिनिश कर दें बिकॉज टाइम बाउंडिंग रहता है विद इन 1 मिनट यू हैव टू कंप्लीट योर स्टोरी. यस सर. या ठीक है.
मतलब कि नरेशन में पहला तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ध्यान देना है, बिकॉज ऑफिसर्स हैं आपके सामने, आपको एसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई डिलाई नहीं। दूसरा आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह यूज होनी है खास तौर पे, तो स्क्रीनिंग में आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि आप जो बोलना चाह रहे हैं सामने वाले को समझ में आ जाए। और ये बात का भी हमें ध्यान रखना है कि 15 ओएल की जो क्वालिटी ऑफ सेलेक्ट क्वालिटी जो होती हैं वो आपकी हर एक पॉइंट पे चेक होती है। अगर आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आपका जो लॉजिक है, परसेप्शन आपने कर लिया, जो लॉजिक लगाया है, जो आपकी रुका जो एक्शन है, आपका लॉजिक, आपका रीजनिंग एबिलिटी, दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अपनी जितनी भी ओएल क्यूज हैं, बिकॉज एसएसबी इज ऑल अबाउट कि आपके एसएसआर आपके अंदर क्या देख रहे हैं, सो इट इज काइंड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी अच्छी क्वालिटीज को हर टाइम शो करें अपने नरेश, अपनी स्टोरी राइटिंग के थ्रू। अपनी स्टोरी राइटिंग में आपको अपने सेंट्रल कैरेक्टर को आपकी तरह ही परसीव किया जाएगा कि वो जो एक्शन ले रहा है वो एक्शन आप भी लेते अगर आप वहाँ पे होते। तो अपनी अच्छी क्वालिटीज, अपनी सोशल कोऑपरेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें जो अच्छी क्वालिटी शो होनी चाहिए आपको स्टोरी के थ्रू शो करनी है, प्लस अपना कॉन्फिडेंस लेवल, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको नरेशन के थ्रू शो करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टेस्ट जो कर्मना का शॉर्ट फॉर्म है, आवर ग्रुप डिस्कशन। जैसे ही नरेशन एंड होता है वैसे ही ग्रुप डिस्कशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो वॉट ऑल पॉइंट्स टू आवर एस्पिरेंट्स नीड टू कीप इन देयर माइंड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन ऑफ पीपीटी। ओके, जब पीपीटी का ग्रुप डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो एकदम बच्चे स्टार्ट करेंगे जैसे जीडी, उस टाइम पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप एक लॉजिकली पॉइंट पे ही बात करें और क्रिटिसाइज को अवॉइड करें और अपना ग्रुप बिहेवियर शो करें। उधर आपके जो वैलिड पॉइंट है आप दीजिए, फिर आप ग्रुप में इन्वॉल्व हमेशा रहिए, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट जो होना चाहिए लॉजिकली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और अगर जो और किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, बिकॉज जीटीओ जो होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो आपका ग्रुप बिहेवियर को बहुत ज़्यादा देखेगा, आपका ग्रुप कोऑर्डिनेशन को भी जज कर रहा होगा, तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। सो पीपीटी को तो हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया, नो डाउट। सो लेट अस टेक अ यू टर्न बैक टू द स्टोरी राइटिंग। कुछ डाउट्स जो बच्चों के सिर्फ स्टोरी के रिलेटेड हैं, अब मैं उसको वापस से उठाना चाहूँगा। पहला तो ये कि सर स्टोरी को एक्चुअल फॉर्म करने का फॉर्मेट क्या है। इसको लाइक आई यूज टू यूज इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। सो क्या यही फॉर्मेट सबको फॉलो करना चाहिए और एनी अदर फॉर्मेट की किस तरीके से बच्चों के दिमाग में थॉट्स तो आ गए, तो उन्होंने स्टार्ट कैसे करना है। कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं, दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द फोटो, आई सॉ 3 characters, 4 characters, वो चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं करनी। सो हाउ टू एक्चुअली फॉर्म द स्टोरी। जब आपने करेक्टर जो आपको 30 seconds का पिक्चर ऑब्जर्वेशन का टाइम मिला, उसके बाद 1 minute जो आपको मिलता है वो आपने सेंटर करेक्टर, उसका मूड, जेंडर सब कुछ लिख दिया है उधर, और आपने एक्शन भी राइट कर दिया है। अब आपको जो 4 minute जो टाइम मिल रहा है वो 4 minute सीधा आप अपना सेंटर करेक्टर नाम लिखते हुए स्टार्ट करिए। ही इज अ राम 12th class student या BSc स्टूडेंट, वॉट एवर ही इज, है ना। तो जस्ट उसको आपको स्टोरी राइटिंग करना है और उसके सीधा आपको मेन पार्ट पर आना है, एक्शन क्या हो रहा है उसका, बॉडी पार्ट, मेन बॉडी पार्ट पर आना है, एक्शन शो करना है। और इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि आपको आपका जो स्टोरी होना चाहिए वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बेस्ड होना चाहिए, और मेनली आपका प्रेजेंट, उसका जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में चलना चाहिए स्टोरी, और उसका आउटकम आना बहुत जरूरी है, आउटकम कि आपका जो हीरो है कि उसका जो आउट जो उसका जो उसने जो उसमें एक्शन किया है वो लॉजिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टोरी में कि भाई दो हमारा हीरो था, उसने बाइक उठाया और पिज्जा खा के वापिस आ गया, है ना। तो इसमें लॉजिक है, उसने गाड़ी उठाया, पिज्जा खा के वापिस आ गया। सो कहने का मतलब मेरा ये है, बहुत लॉजिकली उसको अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है उसके अंदर, और वर्क को कंप्लीट करना है, अनकंप्लीट वर्क वो ना छोड़े हीरो। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही फॉर्मेट मैंने भी फॉलो किया था। फॉर द फॉर्मेट व्हिच आई यूज्ड टू यूज वाज द फर्स्ट वन वाज इंट्रोडक्शन। आई यूज्ड टू ट्रीट इट लाइक अ एसे राइटिंग। ओके, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर, उसका नाम, क्वालिफिकेशन, वेयर हीज बिलोंग, ये बैकग्राउंड पास्ट, द पास्ट कवर हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेज वाज द बॉडी पार्ट, कि वो एक्शन जो आपको फोटो देखिए वहाँ तक पहुँचा कैसे, द पास्ट वो द वे वहाँ पे जैसे पहुँचा, आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पे यूज़ होगी, देन करंट सिनेरियो, देन उसका फ्यूचर, उसके जो एक्शन लिए, आपका इमेजिनेशन एंड डिटेल्ड एक्शन। मैंने हमेशा रखा कि जो भी स्टेप्स लिए वो डिटेल लिखे, आई नेवर रोट कि सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली, ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी डेफिनेटली। एक्शन आपको प्रॉपर लिखने, जो भी आप एक्शन सेंट्रल कैरेक्टर से लेने के लिए आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं ऑन ऑल। देन फाइनल द कंक्लूजन, द आउटकम पार्ट, कि इतने एक्शन लेने के बाद, इतने बैकग्राउंड अच्छा होने के बाद, आफ्टर ऑल क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग, क्या उसका कुछ फायदा हुआ सोसाइटी को,
या फिर जो उसका फायदा हुआ सिर्फ उसको हुआ कि उसने सोसाइटी के लिए दूसरों के लिए किया। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा सेंटर करेक्टर होता है, जो हमारा हीरो होता है, जैसे आपको जो जज कर रहे हैं वो आपको एज ए ऑफिसर जज कर रहे हैं, डिफेंस ऑफिसर्स हैं हम, तो हमारा जो हीरो होता है कभी भी अवार्ड सीकिंग नहीं होता है, है ना। वो जस्ट उसका एक पैशन, उसका ड्यूटी को ड्यूटी परफॉर्म करता है वहाँ पर, है ना। तो उसका जो आउटकम है 100% उसको अपना स्टोरी में आउटकम देना है। हाँ, ये मैंने कहीं देखा है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रिवॉर्ड ओरिएंटेड स्टोरीज बहुत लिखते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा है, बॉडी पार्ट अच्छा है, बट जब कंक्लूजन पे आते हैं तो उनका कंक्लूजन ही 3 से 4 लाइन का ये होता है कि एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम, डीएम ने उसको बुला के अवार्ड दिया, ही वॉज गिवन अ नेशनल ऑनर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये शो होता है कि उनका जो एक्शन था वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड ओरिएंटेड है, अवार्ड से गया, अवार्ड सी करे, तो उससे आपके पर्सनैलिटी नेगेटिव हो सकता है कि ये बंदा मतलब जो उसको अवार्ड रिवॉर्ड होगा उसके लिए काम, उसके लिए ही काम करेगा, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, बल्कि इसको कुछ ना कुछ अपने लिए सेल्फिश अप्रोच के साथ आउटकम। और श्यांशी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में जो स्टोरी है, जैसे हमारे 4 फैक्टर्स के अंदर जो हमारा 15 ओवल की क्वालिटीज आता है, तो बच्चे को वो क्वालिटीज डे टू डे, सभी क्वालिटी आप अपने अंदर इनकल्केट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो आप अपने अंदर इनकल्केट नहीं कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आपका सुबह मॉर्निंग टू इवनिंग जो आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसके अंदर वो चीज़ लाइए, और नो डाउट कि ये क्वालिटी आप इजीली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर आ जाएंगे और आपके थॉट, आपका प्रोसेस एज इट इज हो जाएगा। सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जब मेरा इंटरव्यू सौरभ सर ने लिया था यहाँ पे, व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड एंड आफ्टर दैट आई गॉट मेडिकल इश्यूज, सो मेडिकल इशू होने के बाद इट बिकेम लाइक अ डिसहार्टनिंग सिचुएशन, सो आफ्टर दैट हाँ डेफिनेटली। सो सौरभ सर से बाद मेरा इंटरव्यू था, एंड दैट इंटरव्यू आई टोल्ड द सेम थिंग, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि दैट कि आप जो क्वालिटीज आप बनना चाहते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, तो आप वहाँ पे आपके रिप्लाई होता है वांट टू लिव एडवेंचरस लाइफ, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, बट रियलिटी उनकी लाइफ की एग्जैक्ट अपोजिट होती है। वो रात सुबह देर तक सो रहे हैं, रात में देर तक जाग रहे हैं, सारी चीज़ें। सो दिस इज वॉट आई रिपीटेडली टोल्ड एवरीवन कि डू नॉट वेट फॉर एनी टैग टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। किसी भी टैग का वेट मत करें आप कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो बहुत अच्छी लाइफ जीऊँगा, बहुत खुल के जीऊँगा। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ द वे यू वॉन्ट, अपने लेवल पे। मैं नहीं कह रहा कि सुबह उठते आपको ड्रिल करना है डेफिनेटली, बट आप अपने लेवल पे उठ के वर्कआउट कर सकते, बट यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन ना, सिंपल। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और डिसिप्लिन ब्रिंग सक्सेस, एग्जैक्टली। अब जहाँ पे एफ केयर कैंडिडेट्स के खासतौर पर SSB आ रहा, बाकी कैंडिडेट्स का 14 नवंबर को CDS का है एग्जामिनेशन, हमारा इंडिया का एग्जामिनेशन भी नवंबर में ही है, इनकी भी SSB जल्दी आ जाएगी, सो दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर वो अभी से अपनी लाइफ में उन पॉजिटिव चीज़ों को लाना शुरू कर देंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें सोचेंगे, तो डेफिनेटली जब दिमाग में आपकी अच्छी चीज़ें भरी हुई हैं, आपकी हैबिट्स अच्छी चीज़ें हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बातें कर रहे हैं, अच्छी हरकतें कर रहे हैं, तो आपका मनसा वाचा कर्मणा तो बिना ट्रेनिंग के ही अपने आप ट्रेंड हो रहा है। ये आपको बहुत अच्छा, आजकल इतने आपके सारे YouTube चैनल्स वगैरह हैं, सब पे इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस पैंडेमिक में सिचुएशन में, काफ़ी लोगों ने अपना फ्यूचर बनाया भी है, नो डाउट। ये टाइम बहुत टाइमलेट बहुत अच्छा मिला हुआ है, अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए और थोड़ा सा अपना जो अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करे, तो डेफिनेटली दे विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। एग्जैक्टली, आई एम टेकिंग द SSB क्लासेस फॉर मेजर कल्सी क्लासेस, तो यहाँ पे यही चीज़ें पता चलती है कि इधर द कैंडिडेट गेट्स रिकमेंडेड और नॉट, भले वो रिकमेंड हो रहा नहीं हो रहा, वो तो काफ़ी चीज़ें हद तक लक पे भी डिपेंड करती हैं, बट वो 14 डेज का जो उनका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज रियली मैग्निफिसेंट। Yes. कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये काम करने के लिए रिटन एग्जामिनेशन का वेट मत करें। मैं यही बोलूँगा कि अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे, अपनी पर्सनालिटी पे, मनसा वाचा कर्मणा पे आप काम करना कभी से भी शुरू कर सकते, कभी से डेफिनेटली विल सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर लाइफ डेफिनेटली, इन नॉट इन SSB देन इफ योर लाइफ। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपकी हो रही है, दैट्स व्हाई SSB इज द बेस्ट थिंग। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको डिफेंस में जाना है नहीं जाना है कोई बात नहीं, बट आपको लाइफ में एक बार SSB का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए, जरूर जरूर, बिकॉज उसकी जर्नी है और उसका जो टोटल एक्सपीरियंस है 5 दिन का, वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है हमेशा के लिए। आप सोचना अलग लेवल का शुरू कर देते हैं, बोलने की ताकत, रहने का, खुद को लेके चलने का तरीका ऑलरेडी ऑफिसर लाइक हो जाता है, फिर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो यू विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। तो सर, लास्ट में लेट्स एंड दिस डिस्कशन, क्योंकि थोड़ा लंबा खिंच रहा है, सो आप कुछ टिप्स या फिर कुछ ऐसे मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट्स को? मैं कैंडिडेट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास इनफ टाइम है, टाइम का यूटिलाइज बहुत करें, और प्लीज़ लाइफ में डिसिप्लिन रहें। yes. क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी 80% सक्सेस आपके हाथ में है। और डिसिप्लिन में आपकी ये जाता है कि आपका मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और
जो मनसा वाचा कर्मणा का जो है उस पर आप वर्क करें, और 15 ओएल की जो क्वालिटीज आपकी हैं प्लीज इस पर आप वर्क करें, और अपने जो अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें वो बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी जो सोच होती है जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। सो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़िए, और डेफिनेटली यू विल सक्सेस योर लाइफ। थैंक यू सो मच। और लास्ट में यही मैं भी नोट डालूंगा कि सिंपल सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है आपका साइकोलॉजी इंटरव्यू GTO, बस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप सिंपल सा इमेजिन कर सकते हो जो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। इसी को आप थोड़ा सा रिवर्स कर दो कि आप अच्छा सुनना शुरू कर दो, अच्छा सोचना, हाँ अच्छा देखो, अच्छा बोलो। आप अच्छा सोचोगे तो आपका मनसा अच्छा होगा, अच्छा बोलेंगे अच्छी तरीके से तो आपका वाचा अच्छा होगा, एंड अच्छे कर्म करेंगे तो आपका GTO दैट इज योर कर्मना भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो अपने लाइफ जीते जीते आप खुद को SSB के लिए ट्रेन कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस डिस्कशन। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा सर आपके साथ, काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट्स रहे हैं, एंड आई थिंक PPDT के बारे में ऑलमोस्ट सारे हम लोग ने डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं। स्टोरी राइटिंग PPDT में हेल्प करेगा, प्लस इनका टैट में भी उसकी काफ़ी बेनिफिशियल। PPDT और टैट दोनों चीज़ें आई थिंक हम लोगों ने कवर कर दी है। यस ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कैंडिडेट्स।